मिर्जापुर स्वामी विवेकानंद जी के 161वें जयंती महोत्सव राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर द रियल कंप्यूटर एजुकेशन में नव मतदाता भारत का भाग्य विधाता शीर्षक पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें प्रथम तुषार, द्वितीय सोनम व तृतीय यशिका रही। कार्यक्रम की अध्यक्षता सिद्धार्थ सिंह मोती जिलाध्यक्ष द्वारा किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में नगर पालिका के युवा अध्यक्ष श्याम सुंदर केसरी व क्षेत्रीय मंत्री संदीप केसरी ने पुष्पार्चन पर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने स्वामी विवेकानंद के जीवन पर प्रकाश डाला और नव मतदाताओं को मतदान के लिए जागरूक किया। आज यहाँ भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा नव मतदाता भारत का भाग्य विधाता विषय पे कार्यक्रम रखा गया था, क्योंकि आज हम सबके जो युवाओं के आदर्श हैं स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है और आज से युवा सप्ताह के रूप में लोग स्वामी विवेकानंद जयंती से नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती तक युवा सप्ताह के रूप में लोग मनाते हैं। आज उसी के तहत आज नव मतदाता भारत का भाग्य विधाता का। आप भी एक युवा नगर पालिका अध्यक्ष हैं, तो नगर के युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं नगर के सभी युवाओं से कहना चाहता हूं कि स्वामी विवेकानंद जी के जीवन चरित्र को पढ़ें, समझें और उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। जिस प्रकार से युवा अवस्था में स्वामी विवेकानंद जी ने युवाओं को संदेश दिया, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त निबोधित, उठो जागो और अब तब तक मत रुको जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। युवाओं के मन में एक अच्छे फ्यूचर, अच्छे भविष्य के लिए एक लक्ष्य होना चाहिए कि हमको क्या करना है और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरे मनोवेग से लगना चाहिए और तब तक नहीं रुकना चाहिए जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। आज का युवा, आज का नागरिक है, उसको इस देश के सामाजिक विषयों पर, सभी विषयों पर सोचने का अधिकार है। और ये कहावत भी हम लोगों ने देखा है, इतिहास साक्षी है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जवाना चलता है। तो मैं युवाओं से कहना चाहता हूँ कि युवा 3D कल्चर से बाहर निकल कर देश के भविष्य के, देश के विकास के लिए अपना आत्ममंथन करते हुए अपने वोट के अधिकार को समझे और किस पार्टी के साथ, किस विचारधारा के साथ उसको वोट करना, सारे सिनेरियो को देखते हुए जिन हाथों में देश का बागडोर सुरक्षित रहे, इस हिसाब से युवाओं को सोचकर अपने भविष्य को ध्यान में रखते हुए अपना कार्य करना चाहिए। धन्यवाद। सबसे पहले तो आप अपना परिचय बताएं। मेरा नाम है अश्विन दत्त, मैं रियल कंप्यूटर एजुकेशन की एक मैम हूँ। मैं यहाँ पर युवा प्रतियोगिता के बारे में हो रहा है। आप जानते हैं कि हमारा मत हमारे भविष्य के लिए कितना इम्पोर्टेंस है। आप जानते हैं कि अगर हम मत नहीं देंगे, हमारा एज हो गया, अगर हम मत देते हैं तो हमारा भविष्य आगे जाके एक सुटेबल से सुटेबल बन सकता है। इसीलिए मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि आपका अगर एज हो गया है तो आप अपने फिंगर्स को, मतलब आप अपने वोट्स को एक भविष्य में अच्छे से अच्छा बनाने के लिए मत दें, जिससे हमारा भविष्य आगे और भी ज्यादा उज्ज्वल बनता जाए।